हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर, और आज बात होगी राज की बात में कि कैसे बिहार में बन रहे हैं नए समीकरण, और साथ ही मध्य प्रदेश में कैसे पलटने वाला है सत्ता का समीकरण, और नमस्ते ट्रंप करने के बाद जो बाइडेन की अगवानी कैसे करेगा भारत। राजनीति तो ठहरा संभावनाओं का खेल, और यहाँ पर जब तक जनता की अदालत से आखिरी फैसला नहीं आ जाता तब तक इन संभावनाओं की तलाश बनी रहती है, और बिहार में कुछ सियासी गुपचुप मीटिंगों ने इन्हीं संभावनाओं को तलाशने की कोशिश शुरू कर दी है। तो राज की बात यही है कि अगर बिहार में नतीजे एग्जिट पोल से इतर आते हैं तो आप मानकर चलिए कि समीकरण भी कुछ नए बनेंगे। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आखिरी घंटों में दिए नीतीश कुमार के इस बयान से सवाल ये है कि नीतीश कुमार का इमोशनल कार्ड था या चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिया गया कोई बड़ा सियासी संदेश। नीतीश मंझे हुए राजनेता हैं, वो इतना तो जानते ही होंगे कि इस बयान के बाद बिहार की जनता इस बार उन्हें क्यों जिताएगी जब अगली बार उनकी जवाबदेही ही तय नहीं कर पाएगी। ऐसे में क्या नीतीश कुमार ने ये कहकर कोई खास सियासी चाल चली है? दरअसल नीतीश कुमार की टीम इस बात से सशंकित है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार भी चिराग पासवान का नाम अपनी रैलियों में नहीं लिया है। वो तेजस्वी यादव पर और राहुल गांधी पर और यहां तक कि जेल में बंद लालू प्रसाद यादव पर भी हमला बोल रहे हैं, लेकिन खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान पर वो बिल्कुल मौन है, जबकि चिराग नीतीश के खिलाफ बेहद हमलावर हैं और उनके शब्द भी बेहद तीखे। पांच वर्षों में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोकसभा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। क्यों नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को अपने बयानों में बख्श दिया है, ये बात नए समीकरण की ओर इशारा करता है। हालांकि पीएम मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन सभी नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ही उनका चेहरा होंगे, लेकिन बिहार की सियासत में चिराग पासवान की एंट्री और उनके बयानों ने इस सवाल को भी जन्म दे दिया है कि अगर जेडीयू की सीटें बीजेपी से कम आती हैं और रामविलास पासवान के देहांत के कारण एलजेपी को ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, तो क्या चिराग के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाएगी? जैसा हमने शुरू में ही बताया कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, ऐसे में नेता संभावनाओं के द्वार हमेशा खोल के रखते हैं। अब उस सियासी संभावना के बारे में आप जानेंगे, वो पहले समीकरण का ही एक्सटेंशन है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने बिहार में चुनाव प्रचार से पहले चिराग पासवान को वोट कटवा बताया, लेकिन मोदी ने जब से बिहार का मंच संभाला बीजेपी के नेता चिराग के खिलाफ खुलकर बोलने से बचने लगे। ऐसे में सवाल है कि क्या इसी चुप्पी के कारण बिहार में सरकार बनाने का दूसरा समीकरण तैयार किया जा रहा है? ये सुनने और समझने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही राज की बात है कि 10 नवंबर को नतीजों के बाद सियासत में कुर्सी के लिए दुश्मन दिखने वाले लोग दोस्त हो जाएं। तीन तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक तस्वीर में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ हैं। ये वो वक्त था जब नीतीश और लालू ने मिलकर सरकार बनाई थी। दूसरी तस्वीर वो है जब नीतीश ने लालू का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। स्क्रीन के तीसरे हिस्से में घूमता हुआ प्रश्न चिन्ह यही सवाल कर रहा है कि बिहार का फैसला आने के बाद क्या होगा? क्या एक दूसरे पर वार कर वोट मांगने वाले राज्य को स्थायी सरकार देने के नाम पर दोस्ती कर कुर्सी हासिल कर लेंगे? इस चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार के साथ जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। कई जगह उनकी सभाओं में लोगों ने खुलकर उनका विरोध किया।
नीतीश के भाषण के दौरान उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। लोगों ने कहा कि उन्हें बीजेपी की तो सरकार चाहिए लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहिए। नीतीश कुमार बिहार को ताप गया। हर घर शराब बिकता है, बालू का ठेका चलता है। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं हम लोग। चिराग पासवान में बीजेपी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को नहीं जिताना है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार के लोग मोदी के कारण बीजेपी को तो चुने लेकिन नीतीश की जेडीयू को नकार दें। ऐसी स्थिति में समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों एक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए तमाम लोग राजनीति में हार की आशंकाओं को नकारते हुए जीत की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और उसी हिसाब से समीकरण बुनने की कवायद चल रही है। बिहार के चुनाव पर फिलहाल पूरे देश की नजर है लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश के उपचुनावों के नतीजों को लेकर भी दिलचस्पी कम नहीं। इसे शिवराज सिंह चौहान के लिए करो या मरो का चुनाव बताया गया। हालांकि सरकार के लिए कोई संकट नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ नए समीकरण यहां पर उभरेंगे और महाराजा फैक्टर यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नया अध्याय यहाँ से शुरू होना तय है। जानकार मानते हैं कि मंगलवार को 28 में से 8 सीटें मिलना मुश्किल नहीं है लेकिन खेल उसके बाद शुरू हो सकता है जो इस चुनावी राजनीति से अलग ही रंग दिखाए। नंबर चाहे जो भी आए, यानी 28 में चाहे जितनी सीटें मिले, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का सेहरा सिंधिया के सिर ही है जो उनके कद को आगे मजबूत रखेगी। इन 28 सीटों में से ग्वालियर चंबल की कुल 16 सीटें हैं। इनमें यदि भाजपा ज्यादातर सीटें जीत लेती है तो यह सिंधिया के खाते में जुड़ेंगी। वैसे ही ग्वालियर चंबल सिंधिया के प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में प्रदेश में भी शिवराज के बाद दूसरे बड़े प्रभावी चेहरे होंगे। इसका लाभ अगर पार्टी को होगा, बीजेपी को होगा, तो उसका लाभ ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी होगा। आप केंद्र में मंत्री बना के भेजेंगे उन्हें? पार्टी तय करती है कौन किस स्थान पर रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर कोई नेता लोकप्रिय होता है, परिश्रमी होता है, विजनरी होता है, तो लीडर का कद भी बढ़ता है और पार्टी हर कार्यकर्ता को उचित सम्मान और उचित स्थान देती है। रही बात उपचुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत की, तो ये मानकर चलिए कि केंद्र में वो मंत्री बनेंगे और वरिष्ठ नेताओं का उनको आशीर्वाद भी प्राप्त है और साथ ही कांग्रेस की सरकार गिराकर उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई है तो जाहिर है प्रदेश में भी उनकी हनक कायम रहेगी। ये बात अलग है कि चंबल और ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर और प्रभात झा जैसे नेताओं के साथ उन्हें अंदरूनी खींचतान का सामना करना पड़ेगा। ग्वालियर चंबल की ज्यादा सीटें बीजेपी जीत जाती है और सिंधिया अपने साथ आए 22 विधायकों में ज्यादातर को जिताने में सफल रहते हैं तो पार्टी का बड़ा वर्ग उनके साथ डटकर खड़ा होगा जिसे वह आगे भी टिकट आदि दिलाने में मदद दे सकेंगे। पार्टी स्तर पर सिंधिया इसलिए भी ताकतवर रहेंगे क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार जैसे कोई आरोप नहीं है। दूसरा, राजमाता की वजह से उन्हें संघ की पूरी मदद भी मिलेगी। राष्ट्रीय राजनीति में सिंधिया का कद बढ़ने से मध्य प्रदेश में भी शक्ति संतुलन के समीकरण बदलेंगे क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की घेरेबंदी कमजोर होना तय है। इन्हीं दोनों नेताओं की राष्ट्रीय नेतृत्व तक अब तक पहुंच रही है जो प्रदेश में अपनी मर्जी की चलाते रहे हैं। सिंधिया के वहां पहुंच जाने से वो गुट जो इन दोनों से असंतुष्ट रहता रहा है वो सिंधिया के खेमे में जाएगा, यानी सरकार बचने के बाद भी सत्ता के समीकरण बदलेंगे। अमेरिका में ट्रंप हार रहे हैं, जो बाइडेन जीत रहे हैं। ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। वैसे तो ये दूसरे देश का आंतरिक मामला है लेकिन बात यहाँ महाशक्ति की हो रही है और अमेरिका की सियासत पूरी दुनिया को प्रभावित करती है जिससे भारत भी बिल्कुल अछूता नहीं है। जाहिर है व्हाइट हाउस में अगर बदलाव की तैयारी हो रही है
तो यहाँ हिंदुस्तान में भी कुछ परिवर्तन होने वाले हैं और उस हिसाब से रणनीति तैयार की जा रही है। We are one united movement, one united people, and one United States of America. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the United States, Donald J. Trump. ट्रंप और मोदी के बीच नमस्ते ट्रंप के साथ साथ तमाम मौकों पर जो केमिस्ट्री नेताओं के बीच में देखने को मिली है, इससे दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होते चले गए। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर ट्रंप की नीति भारत के लिए बहुत बेहतर नहीं रही, लेकिन विदेश नीति के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप भारत के मुफीद रहे। खास तौर से चीन के मसले पर ट्रंप की आक्रामकता और भारत को समर्थन जाहिर तौर पर हमारे लिए बेहतर रहा। हालांकि कश्मीर के मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का राग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर करते रहे हैं, लेकिन जब भारत ने अनुच्छेद 370 को कश्मीर से समाप्त किया तब अमेरिका का रुख भारत के प्रति अनुकूल रहा है। अब जब वहां पर रिपब्लिकन का राज समाप्त हो रहा है और अमेरिका की सत्ता पर डेमोक्रेट्स काबिज होने जा रहे हैं, तो भारत को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वहां की विदेश नीति उसके अनुरूप हो। चीन के मसले पर जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ही ट्रंप की तुलना में ज्यादा आक्रामक हैं, साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी उनकी नीतियां भारत जैसे मुल्कों के लिए बेहतर मानी जाती रही हैं। बस दिक्कत सिर्फ एक मोर्चे पर है, जहां पर डेमोक्रेट्स भारत के लिए थोड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। यह मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, चाहे जो बाइडेन हो या कमला हैरिस। कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से हटने पर इन दोनों ही नेताओं ने प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जबकि ट्रंप इस मुद्दे पर भारत के साथ खुलकर खड़े थे। The Prime Minister really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan and I'm sure that they will be able to do something. ऐसे में कुछ लोगों को आशंका जरूर है कि कश्मीर पर पाकिस्तान जो राग अलापता है, अगर अमेरिका का निजाम भी उसके पक्ष में सॉफ्ट कॉर्नर रखता है तो निश्चित तौर पर हमारे हित प्रभावित होंगे। ऐसे में भारत का पक्ष मजबूती के साथ अमेरिकी निजाम के समक्ष रखने के लिए एक ऐसी टीम की जरूरत होगी जो डेमोक्रेट्स के साथ तालमेल और संवाद बेहतरीन बनाने में सक्षम हो, और विदेश मंत्रालय ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। यही छिपी है राज की बात कि यूएस प्रेस जो अमेरिका से जुड़े मामले देखती है उसमें परिवर्तन की तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि अभी तक वहां पर जो लोग थे उनके रिपब्लिकन यानी ट्रंप प्रशासन के साथ में बेहतरीन संबंध थे। सूत्रों के मुताबिक यूएस डेस्क में लगभग 3 दर्जन लोग हैं, इनमें 7-8 लोग निर्णायक भूमिका में होते हैं। इन्हीं लोगों में परिवर्तन किया जाए। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रों के संबंध उनके निजी हितों पर ज्यादा आधारित होते हैं, और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका के लिए भारत के साथ दोस्ती उसके लिए भी बहुत जरूरी है। और वैसे भी भारत के संबंध पहली बार अमेरिका से बेहतर डेमोक्रेट्स के राज में हुए थे, ये भी अतीत है। मगर बिल क्लिंटन के बाद जॉर्ज बुश के नेतृत्व में रिपब्लिकन सत्ता में आई तो भी दोनों देशों के संबंध एक अलग ऊंचाई तक पहुंचे। इसके बाद बराक ओबामा आए तो भी भारत के साथ अमेरिका के संबंध और प्रगाढ़ हुए। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री तो चर्चा में रही ही थी। यहाँ यह जानना जरूरी है कि जो बाइडेन ओबामा प्रशासन में उपराष्ट्रपति थे, एक तरीके से प्रशासन के मुख्य कर्ता धर्ता थे। बाइडेन के अलावा अमेरिका में शायद ही और कोई नेता हो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना अनुभव रखता हो। बाकी विदेश मंत्री एस जयशंकर और मौजूदा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला दोनों ही अमेरिका में काम करने का अनुभव पा चुके हैं, और इन्हीं दोनों ने डेमोक्रेट्स के आने के संकेतों के साथ ही यूएस डेस्क में बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही पीएमओ में तैनात रहे विदेश सेवा के अधिकारी प्रतीक माथुर को अमेरिका भेजा जा चुका है, यानी ये प्रक्रिया पहले ही मूर्त रूप लेने लग गई है।